बाबा अंबेडकर साहब ने एक रैली में कहा और 89 में केसी त्यागी जी ने एक चिट्ठी लिखी और 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि ये बड़ा प्रदेश है, इसको चार हिस्सों में बांटा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के सारे हिस्सों को बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की भी एक स्थापना की जाए, वहाँ कॉलेज और स्कूल थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और वहाँ के जो लोग लड़ते हैं उनको वेपन के लाइसेंस दिए जाएं और पुलिस की फोर्स की चौकी बनाकर उनको और सुविधा दी जाए। तो जो 350 रेट था तो 80% भी लगाएं तो 300 के करीब वो रेट बैठता है, तो करीब 600 के आसपास बैठता है, तो कम से कम 550 रेट ज़रूर कर देना चाहिए जिससे कि गन्ने का रेट बढ़िया हो तो खुशहाल किसान हो सके। जो छोटी कंपनियों वाले लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, इन पे सरकार और ज़्यादा ध्यान दे, टैक्स में इन पे भी कुछ छूट मिले और कुछ इंसेंटिव मिले जिससे छोटे बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उठ के वो लोग तरक्की करें तो एक देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। मैं जो पार्लियामेंट में देश की मैं महसूस करता हूँ, 1913 से कलकत्ता में शुरू हुई, 20-21 में यहाँ आई और 47 के बाद अब भी दो तरफ सुनने को मिलती है। लेफ्ट पे जो अच्छे काम करे, जिन काम की गुंजाइश थी जो और बेहतर हो सकते थे कहीं जिक्र नहीं होता, और राइट पे देखते हैं तो उठा करके सारे ये कमी और अच्छे काम में भी कमी निकालते हैं। तो वो 1913 का देश एक और देश था, 1947 के समय एक और देश था और आज एक और देश है, और देश या पूरा संसार जिस तरह तरक्की कर रहा है हमारी चर्चा भी मेरे हिसाब से उस तरह की होनी चाहिए। मैं अपने साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ गुंजाइश थी बहुत बेहतर हो सकती थी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में था कि जो बॉर्डर देश के जो बॉर्डर के गांव हैं उनको पहले देश का आखिरी गांव कहा जाता था और अब देश का पहला गांव कहा जाएगा। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी ये गुजर मुसलमान हैं, वो जो अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करते थे कि बगैर तनख्वाह लिए हुए उग्रवादियों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की फौजों से लड़ते थे, उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि देश की सरकार हमारे बारे में ये सोच रही है कि हम आखिरी गांव नहीं हैं, हम पहला गांव हैं, तो इसकी हम सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। और उसमें एक चीज़ साहब मैं और सरकार आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने इतना ध्यान दिया वहाँ, तो वहाँ जो बाउंड्री पर लोग हैं उनके लिए कॉलेज और स्कूलों की कमी है, वहाँ कॉलेज और स्कूल थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और वहाँ के जो लोग लड़ते हैं उनको वेपन के लाइसेंस दिए जाएं और पुलिस की फोर्स की चौकी बनाकर उनको और सुविधा दी जाए और एक ऐसी जेड बना करके एक बड़ा एक इंडस्ट्रियल बाउंड्री लाइन पे देश की पे एक ऐसी जेड डिक्लेयर करा जाए जिससे वहाँ के लोगों को स्वाभिमान के साथ रोजगार भी मिल सके, शिक्षा भी मिल सके। दूसरा सब जो ये पिछले बात थी भाई अभी कि टैक्स से संबंधित देश का जो है कि जो पहले 30% कॉरपोरेट टैक्स लगता था वो पिछले दिनों 22% कर दिया गया, 15% कर दिया गया। तो उस बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ सरकार का आपके माध्यम से कि जो 60 साल से बड़े लोग हैं और ख़ास करके 70 पार करते ही ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो इस कॉरपोरेट टैक्स पे जहाँ छूट दी गई है 60 साल से ऊपर के लोगों को भी उस टैक्स का कहीं ना कहीं उनको भी अलग छूट दी जाए। और जब पूरा बजट आगे आएगा तो जो 7 लाख रुपए है टैक्स की सीमा, उस स्लैब को भी उठा करके 10 लाख रुपए करा जाए। एक साहब देश में जो कच्चा तेल है जो उसको देश की बड़ी कंपनियां निकालती हैं उस पर जो सेस टैक्स लगता है वो बहुत कम है, और जो आम आदमी तेल को आज इस्तेमाल करता है, चाहे वो ट्रैक्टर में हो, चाहे
खेत को पानी देने के लिए इंजन में हो, चाहे और दूसरी सवारियों पर हो, गन्ने को ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए हो, तो उस पर जो सेस टैक्स लगाया है वो थोड़ा ज़्यादा है। दोनों को एक ही चश्मे से नाप करके अगर उस पर सेस टैक्स कम लगाया जाता तो बहुत अच्छा होता। और साहब एक जो अभी चुनाव आगे खड़े हैं, दो तीन महीने के बाद चुनाव में जाना है, तो जो सब चीज़ों की महंगाई खास करके कोरोना कार्यकाल के बाद में बढ़ी है, और एक पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो गन्ना किसान है वो बहुत परेशान है। पिछले 7 साल में केवल एक बार 25 रुपये रेट बढ़ाए, एक बार केवल 10 रुपये रेट बढ़ाए, एक बार अभी 4-5 दिन पहले 10 रुपये रेट बढ़ाए, जबकि 7 साल की अगर महंगाई जोड़ें, किसी साल की महंगाई 9% कुछ, किसी 8% कुछ, 7%, 11%, वो टोटल करीब 80% के आसपास बैठती है। तो जो 350 रेट था तो 80% भी लगाएं तो 300 के करीब वो रेट बैठता है, तो करीब 600 के आसपास बैठता है, तो कम से कम 550 रेट ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे कि गन्ने का रेट बढ़िया हो तो खुशहाल किसान हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसान की आय डबल हो, उस पैमाने की तरफ को भी किसान लगभग करीब करीब नज़दीक पहुंच सकें। और साहब एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो ये अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण था, इसमें अगर जो छोटे कारखाने वाले लोग हैं, जो छोटी कंपनियों वाले लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, इन पे सरकार और ज़्यादा ध्यान दे, टैक्स में इन पे भी कुछ छूट मिले और कुछ इंसेंटिव मिले, जिससे छोटे बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उठ के वो लोग तरक्की करें, तो एक देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। एक साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश में आज सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और करीब करीब 24 करोड़ लोग हैं, और 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ने एक रैली में कहा, 1955 में जो बाबा अंबेडकर साहब ने एक रैली में कहा, और 1889 में केसी त्यागी जी ने एक चिट्ठी लिखी, और 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि ये बड़ा प्रदेश है, इसको 4 हिस्सों में बांटा जाए, तो करीब 8.5 करोड़ के करीब जनसंख्या है, तो इसमें 8.5 करोड़ से कम आधे से ज़्यादा देश के जो प्रदेश हैं वो छोटे छोटे प्रदेश हैं, वो 8.5 करोड़ से भी बहुत कम के हैं। तो अगर इसके भी सरकार कंसीडर करे आने वाले समय में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के सारे हिस्सों को बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। और सब जो जब तक अगर इसमें देर भी लगे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इलाहाबाद जाते हैं हाई कोर्ट के लिए, लखनऊ जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, शाम को चलते हैं अगले दिन पहुंचते हैं और रहने की बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की भी एक स्थापना की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आखिरी बात एक कह के अपनी समापन करूंगा अपनी बात को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय डबल करी जाए, तो मैं उसमें सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बारे में जो रिसर्च पूरे वर्ल्ड में और देश में बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों में रिसर्च इंस्टीट्यूट पे बहुत खर्चा होता है, रिसर्च का एक अलग डिवीज़न होता है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसान की फसल को कैसे हाईटेक तरीके से करे जाएं, फूल बढ़िया कैसे पैदा करे जाएं, और फ्रूट फल आदि कैसे बढ़िया पैदा करे जाएं, इसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले और किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी मेरठ में बनाया जाए, जिससे किसान बढ़िया तरीके से अपनी खेती कर सकें और सरकार उनको रिसर्च करके जो रिपोर्ट आए बढ़िया तरीके से किसान को सपोर्ट कर सकें, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश का और देश का किसान खुशहाल रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।